भागलपुर में सियासी हलचल के बीच राजद महिला जिलाध्यक्ष ने जदयू की सदस्यता ले ली और फिर महज 12 घंटे के अंदर ही वापस राजद में आ गई। राजद की महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल जहां कल जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चल रहे सम्मेलन के बीच राजद का दामन छोड़कर जदयू में शामिल हुई थी और अंग वस्त्र और माला पहनकर जदयू में उनका स्वागत किया गया था, वहीं आज फिर 12 घंटे से भी कम समय में एक बार फिर से आरजेडी में चली गई है। आरजेडी के स्थानीय नेताओं पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें राजद नेता चक्रपाणि हिमांशु, तिरुपति नाथ यादव, आनंद आजाद सहित कई नेताओं द्वारा उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हमें यह नहीं मालूम कि वो जदयू में गई थी, मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली लेकिन अब वो राजद में आ गई है और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि पार्टी में जिनके द्वारा भी महिलाओं का अपमान किया जाएगा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर जदयू जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि पिछले दिनों जदयू की बैठक में राजद की महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल ने मुझे जाकर कहा कि मैं सदस्यता ग्रहण करना चाहती हूं। तब प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उन्हें मंच पर जदयू की सदस्यता दिलाई गई। भागलपुर में दूसरे चरण में लोकसभा के लिए 26 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले नेताओं का पार्टी में आने जाने का दौर लगातार जारी है। हम जदयू में शामिल होने नहीं गए थे, सिर्फ मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, जिन्होंने इस चीज को तोड़ मरोड़ के बोल दिया कि सदस्यता लेने आई है, ये गलत बात है। हमारे दल के कुछ लोग हैं जैसे चक्रपाणि हिमांशु जी, ये सीधा सीधा महिलाओं पर आरक्षण लगाते हैं कि महिला लोग क्या करेगी, महिला लोग में क्या है, इसे मतलब महिला को इतना बेइज्जत कर रहे हैं दल के कुछ लोग, इसी कारण हम नाखुश थे। सम्मान नहीं मिल रहा है आरजेडी में महिलाओं को? आरजेडी में तो सम्मान मिल रही है लेकिन दल के कुछ लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। पार्टी के ही लोग हैं ना? हाँ, मेरे पार्टी के लोग हैं। सम्मान चक्रपाणि हिमांशु जी थे और तो कोई नहीं थे, लेकिन है एक, ये क्या नाम है, तिरुपति नाथ जी। उन्होंने बोला था कि पुरुष प्रधान देश है, तो फिर मेरे नेता तो गलत बोले, उसका साबित तो वो करेंगे ना। देखिए, मुझे नहीं समझ, मुझे मिलना था, उन लोग के पास समय कम था, तो उन्होंने कहीं तकलीफ तो है आपको? तकलीफ हमारे दल के लोगों से है, है ना? भागलपुर के दल के लोगों से है ना? हाँ। सम्मान आपको नहीं मिला? मिलने सिर्फ गए थे, मिलने का पहले महागठबंधन में हम थे तो मंत्री साहब से पहले से हमको जान पहचान था, हम मिलने के लिए गए, उन्होंने बोला कि स्टेज पे ही आ जाए, समय कम है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं, वो सम्मानित किए जब राजद के, पहले तो गठबंधन में ही थे ना हम, इसीलिए सम्मान किए जिला अध्यक्ष का। लेकिन यहाँ आपको सम्मान नहीं मिला? सम्मान राजद में है लेकिन दल के कुछ लोग उस सम्मान को खोने के लिए मजबूर कर, हम राजद में ही थे, राजद में ही है, रहेंगे भी। सम्मानित पार्टी की नेत्री सीमा जायसवाल जी आई और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं आपके पार्टी में शामिल होना चाहती हूं और लगभग 3-4 हजार महिला साथियों के साथ उन्होंने शामिल होने का आग्रह किया। मैंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से और जिला अध्यक्ष जी से बात करके उनको स्वसम्मान मंच पे लाके शामिल कराया और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री लोग संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, अध्यक्षता में पार्टी में उनको शामिल किया गया और उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया। साथ ही साथ मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार और बुलो जी से भी मेरी बात रात में भी हुई और आज सुबह भी हुई है, वो भी लगभग पूरे लोकसभा के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे अन्य मार्ग में शामिल हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। तो जो वातावरण है हाल के दिनों में, कटिहार के हमारे अशफाक करीम साहब भी हमारे पार्टी में शामिल हुए, बिशन पटेल साहब पूर्व शिक्षा मंत्री वो भी शामिल हुए। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप देखें आज का अखबार उल्टा के, आप देवेंद्र यादव जी, अन्य कई ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता हैं जो हमारे पार्टी की ओर रुख किए हुए हैं, चूँकि हमारा जो पार्टी है पिछले 18 वर्षों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बिहार का जो विकास हुआ है और साथ साथ हाल के दिनों में जाति गणना कराकर आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, अति पिछड़े को जो सम्मान मिला, इन तमाम बातों के कारण हमारे पार्टी के प्रति नेताओं का और जनता का रुझान बढ़ा है। अब रही सीमा जायसवाल जी की बात, मैं उस संदर्भ में एक बात और आपको कहना चाहूँगा, आप अगर उनके बयान को देखेंगे या उनके बयान को सुनेंगे, उनका स्वतः यह आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व के बाल श्रमिक आयोग के सम्मानित
अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व के जिला अध्यक्ष वर्तमान के साथ प्रदेश के सचिव हैं डॉक्टर तिरुपति नाथ पारस जी, दोनों पे उन्होंने आरोप लगाया है महिला को अपमानित करने का, महिला को प्रताड़ित करने का, महिला को पार्टी से निष्कासित करना या पार्टी में एक तरह का दबाव बनाना। इन तमाम चीज़ों का आरोप सीमा जायसवाल जी के वचन से, उनके वक्तव्य से, उनके उद्घोषण से सीधा स्पष्ट है। इसलिए और रही बात क्या स्थिति है पूरे राज्य में, जब माता पिता की सरकार थी तो क्या स्थिति थी 15 वर्षों तक महिलाओं के साथ क्या होता था, अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत लंबी चर्चा होगी। मैं उदाहरण स्वरूप आपको चंपा, क्या लगता है सीमा जायसवाल पार्टी में रहेंगे आपके? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हुई है और हमारे पार्टी में रहेंगी और लोकसभा के चुनाव में लगातार वो प्रचार प्रसार भी करेंगी और माननीय सांसद अजय मंडल जी को, जो हमारे वर्तमान के एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने में उनका सहयोग मिलेगा हम लोगों को। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एसएसपी के निर्देशानुसार अवैध हथियार, शराब, मादक पदार्थ की बरामदगी हेतु छापेमारी, वाहन चेकिंग और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अमडंडा थाना को सूचना मिली कि पति पत्नी के आपसी विवाद में पति अपनी पत्नी को जान से मारने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अमडंडा थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को देसी कट्टा से मारने का प्रयास कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को अंजाम देने से पहले महिला की जान बचाई, साथ ही पति नीतीश कुमार को लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है। अमडंडा पुलिस के द्वारा भी एक सफलता अर्जित की गई है, जिसमें कि उनको सूचना मिली, एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उनके जो पति हैं वो उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के द्वारा तत्क्षण जो गाँव का नाम है पैरियत गाँव में पहुंचकर इस सूचना का सत्यापन किया गया और उसके पति को एक कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। घरेलू हिंसा में पत्नी को मारने का प्रयास कर रहा था पति और उसी क्रम में अमडंडा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक कट्टा और 2 गोली की बरामदगी की गई। अगर आपको लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो सबौर में खुल गया है भागलपुरी रसोई रेस्टोरेंट। इसमें इंडियन, चाइनीज, तंदूर के अलावा कई आइटम का डिश ग्राहकों के बीच परोसा जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर यदि आपका जन्मदिन का पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी मनाना है तो उसके लिए भी आप पधार सकते हैं। भागलपुरी रसोई के प्रोप्राइटर शुभम मिश्रा ने कहा कि इस रेस्टोरेंट में यदि आप घर बैठे लजीज व्यंजन का स्वाद चखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे रेस्टोरेंट में ऑनलाइन सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में फैमिली केबिन भी है जो कि संपूर्ण वातानुकूलित है, इसलिए एक बार हमारे रेस्टोरेंट में अवश्य पधारें। वहीं उद्घाटन के मौके पर सानुदेव, गौरव, शुभम यादव, सचिन, अमरेश झा सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे यहाँ आज BR10 भागलपुरी रसोई, जो कि सबौर में केनरा बैंक के निकट खुला है, इसका उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे सभी तरीके के फंक्शन आयोजित होते हैं। बर्थडे फंक्शन, एनिवर्सरी फंक्शन, फैमिली फंक्शन, सारा फंक्शन आयोजित किया जाएगा। और मेरी भागलपुर के युवाओं से अपील है, एक बार ज़रूर आप हमारे रेस्टोरेंट में पधारें। कपल्स के लिए भी हमारे यहाँ अच्छी खासी सुविधा दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एसएसपी के निर्देशानुसार अवैध हथियार, शराब, मादक पदार्थ की बरामदगी हेतु छापेमारी, वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर पुलिस को सबौर थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अमिक मंडल के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया तथा अमिक मंडल को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान कई हथियार व हथियार बनाने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद किया है। आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, अगले एक सप्ताह में यहाँ होना है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए जो चुनाव के प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं उसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में आज एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। एक गांव है सबौर थाना में रजंदीपुर, वहां पे CTSP साहब के नेतृत्व में और DSP लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे रेड की का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कि इंस्पेक्टर सबौर थाना, हमारी DIU की टीम, STF की एक टीम लगातार इसमें काम कर रही थी और कुल 5 हथियार, पूरी तरह से निर्मित 5 हथियार, जिसमें एक कट्टा, 3 राइफल और 1 2 नाली बंदूक और 1 अर्ध निर्मित हथियार बरामद हुआ है।
एक व्यक्ति जिसका नाम है अमिक मंडल उर्फ अंबिका मंडल, जो कि रजंदीपुर का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और 20 से ज़्यादा हथियार बनाने के जो उपकरण होते हैं उसकी बरामदगी की गई है। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, 5 हथियारों की बरामदगी की गई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ भी हमारी टीम के द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। इसमें और भी हथियार के बरामदगी एवं व्यक्तियों की गिरफ्तारी की संभावना है। एक आवश्यक सूचना, मैं रमेश टुडू 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरे ऊपर मिर्जा चौकी थाना की संख्या 48/21 दिनांक 4/8/2021 एक केस दर्ज है, जो SDJM साहेबगंज झारखंड न्यायालय में है। उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो, साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जैसे जैसे लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 के दूसरा चरण नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसूर चौधरी भागलपुर के मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज घंटाघर चौक से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसूर चौधरी, DDC कुमार अनुराग के अलावे कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में जीविका दीदी, NCC के बच्चे और निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसूर चौधरी खुद मौजूद थे। वहीं जागरूकता रैली में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में कलाकार लोगों को मतदान करने की अपील करते दिख रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मतदान आपका अधिकार है, इसे हमें जरूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि असमानता का पर्व है, पहले लोगों को मतदान करना है, फिर जलपान करना है। उन्होंने कहा भागलपुर में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करना है। देखिए, मैं तो पूरे यहाँ के भागलपुर के वोटर से अनुरोध कर रहा हूँ कि 26 अप्रैल को मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और एक ही हम उन लोगों से अनुरोध करें कि पहले मतदान फिर जलपान, ये निर्णय ले लें कि जब तक हम वोट नहीं डालेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। और आपने अभी हमारी कला जत्था की टीम को सुना है और देखा है कि 4 प्रकार के लोग ही वोट नहीं डाल सकते हैं। पहला, जो भारत का नागरिक नहीं हो, दूसरा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तीसरा, जो अनसाउंड माइंड का हो, और चौथा है भी इन्होंने बताया है। तो इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, इसमें जिनको सजा हो चुकी है वो लोग भी वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समानता का पर्व है, और ये ऐसा समानता का पर्व है जिसमें हर आदमी,
हर व्यक्ति, हर समाज, हर जाति पाति, हर धर्म, सभी बराबर हैं। सभी के एक एक व्यक्ति का जो मत है सब बराबर है। मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस दिन वोट ज़रूर डालें। मैं अभी फीडबैक ले रहा था तो कई हमारे अभी बीएलओ सुपरवाइज़र ने कहा कि लोगों को लगता है लोग हमारे पास नहीं आए। मैंने उन्हें यही कहा कि यदि आपकी उम्र 80 वर्ष तक है तो जो नियमित चुनाव होता है तो आप जीवन काल में मात्र 12 बार लोकसभा का वोट डाल सकते हैं, मात्र 12 बार। यदि आप 100 वर्ष जीते हैं तो मात्र 16 बार डाल सकते हैं। तो हम एक बार भी कम नहीं करें। और एक वोट डालने में आपको जो 7 सेकंड की मशीन की आवाज़ होती है और आपको जाने में, कमरे में और आने में, मतलब मैं 20 सेकंड ही उसको मानता हूँ, 20 सेकंड मात्र लगता है। तो इस प्रकार से हम एक घंटे में 180 से 200 लोग भी वोट डाल सकते हैं। जो लोगों को लगता है कि लाइन लंबी रहती है, इस बार मैं लाइन को लोगों को खड़ा नहीं रहना पड़े, हम जगह जगह पे बेंच भी लगवा दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं असहाय हैं वो बैठ भी जाएं या थक जाते हैं लोग बैठ भी जाएं। और हम प्रयास करेंगे जितनी फास्ट वोटिंग हो सकती है, हमारी मशीनरी को हम ट्रेन कर रहे हैं उतना फास्ट, नियमित जो उचित तरीके है उससे वोट कराएंगे। और आपको बता दूं मैं कि करीब 80% के आसपास हमारा जो वोटर स्लिप है उसका हम लोगों ने वितरण करवा दिया है। पहले लोगों के पास वो वोटर स्लिप नहीं होता था, लोग भटकते थे कहाँ जाएं, हमारा नाम है कि नहीं है, कि कोई काट दिया है, कोई कुछ क्या किया है। तो वो वोटर स्लिप का वितरण हो गया है, वो लोगों के लिए बड़ी बात है। और मैं पुनः लोगों से आग्रह करूँगा, वो पर्ची नहीं निमंत्रण है, वोट देने आना है। उसको मेरा निमंत्रण कार्ड समझे कि डीएम साहब ने वो निमंत्रण दिया है वोट देने के लिए 26 अप्रैल को, और उस वोट देने की जगह हमारी बूथ है, उस बूथ पर आकर के वोट करें। बस बांका के रजौन प्रखंड अंतर्गत नवादा बाजार में शंकर शाह के पुत्र राजा शाह की बुधवार की रात को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के विजयवाड़ा थाना के जबलीपुरा मोहल्ले में घर के अंदर ठेला लगाने के दौरान आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के गर्दन के दाएं तरफ और पेट में 2 गोलियां लगी है। लोकल पुलिस सूत्रों ने बताया कि देर रात तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं इससे पहले 8 अप्रैल को आतंकियों ने शोपियां में विदेशी पर्यटक को कश्मीर घुमाने लेकर आए उत्तराखंड के एक टैक्सी चालक की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एक सप्ताह के अंदर आतंकियों की यह दूसरी घटना है। बांका के युवक की हत्या लोगों में भय पैदा कर चुनाव में खलल डालने का प्रयास भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सभी सुरक्षा एजेंसियों को प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। फोन पर मृतक के पुत्र अंकुश राज द्वारा पूछे जाने पर बताया गया, बुधवार देर रात करीब 8 बजे पापा ठेला को घर के अंदर रख रहे थे, तभी अंधेरे में एक युवक ने पिस्तौल से गोली मार दी। मैंने मारते हुए देखा लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं हो सकी। गोली मारकर आतंकवादी फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने अनंतनाग के अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ देर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। नवादा के ग्रामीण विमल कुमार गुप्ता द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक की स्थिति काफी दयनीय है। अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जम्मू कश्मीर में ठेले पर भूंजा पकौड़ा आदि बेचकर अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। मृतक के 2 पुत्र है, एक की उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र 5 साल है। मृतक की पत्नी भी उसके साथ जम्मू कश्मीर में रह रही थी, उसका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। राजा जी सो कत्ते राजा बाबू से राजा सा नाम छे वो बाबू राजा सा कहाँ काम करे छनो कश्मीर में काम करी ले बेटा कश्मीर में हाँ केना के तो है कखनी घटना घटी केना गले बेटा मैं नहीं जाने चले बेटा यहाँ टाइलो चिये तो रात में कल कम मायके गोली लागी लो मायके हॉस्पिटल में छो पोता कल को कम दादी लागी लो गोली बेटा हमरो हॉस्पिटल में भर्ती छो अच्छा की क्या बेटा छो क्या बेटा छो दो बेटा छो एक बेटा मरी गलो बेटा हाँ तीन टोटल बच्चा छो तीन बेटा छो ने हाँ एक तो मरी गलो पे ये हो गलो अच्छा ठीक हाँ दो बेटा छो अभी एक बेटा नुकसाने हो गलो अच्छा एक बेटा मैंने साथो में रहे छो हाँ साथो में यहाँ घरों पर घरों पर रहे छे की करे छो है तो बेटा की करे छो कारीगरी करे छो मिठाई मजदूरी करे छे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए एसएसपी के निर्देशानुसार मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में टॉप 10 की सूची में शामिल चंदन यादव उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा कुख्यात अपराधी चंदन यादव उर्फ चंदन टाइगर को ग्राम इंग्लिश से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इसकी गिरफ्तारी हेतु 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। चंदन टाइगर का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। एक और सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा
अर्जित की गई है, जिसमें कि 50,000 रुपये का इनामी चंदन उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी की गई है। और चंदन टाइगर की गिरफ्तारी इंग्लिश गांव सबौर थाना में पड़ता है, और सबौर थाना की टीम के द्वारा ही यह गिरफ्तारी की गई है। और चंदन के ऊपर पूर्व से 14 कांड, जिसमें कि हत्या का एक, हत्या के प्रयास के एक, रंगदारी के 6 मामले, लूट और डकैती के 2 मामले और उत्पाद अधिनियम के भी मामले उसके ऊपर पूर्व से दर्ज हैं, और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। यह भी भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता, जो बड़े अपराधी है कि गिरफ्तारी के खिलाफ जो लगातार अभियान चल रहा है, उस कड़ी में एक बड़ी सफलता, 50,000 के इनामी की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई है। भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड की खानपुर पंचायत के दौलतपुर गांव के सुगठिया बहियार में 2 दिन पूर्व मिरहट्टी पंचायत के नवटोलिया गांव के दबंगों ने 2 किसानों को गोली मार दिया था, जिसमें से एक किसान मुकेश कुमार मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के 2 दिन बीत जाने पर पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसके बाद दौलतपुर गांव के ग्रामीण एकजुट होकर पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कहा कि 24 घंटे के अंदर मिरहट्टी पंचायत के नवटोलिया गांव के दबंग अपराधी पवन यादव, मिथुन यादव, अशोक यादव और उसकी पत्नी और रब्बू यादव के द्वारा गेहूं का भूसा की चोरी करने पर मना करने पर इन लोगों के द्वारा किसान मुकेश कुमार मंडल और उसके भाई संचिता मंडल उर्फ कारेलाल मंडल को गोली मार दी गई, जिसमें मुकेश मंडल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि कारेलाल मंडल घायल है। घटना के बाद से मुकेश मंडल की पत्नी और उसके 3 बच्चों का बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो और इन बच्चों के भरण पोषण के लिए मुआवजा राशि एवं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो पूरे गांव के लोग लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल, हर किसान अपना फसल खेत में छोड़ दिए हैं, डर के मारे किसान खेत पर नहीं जा रहे हैं। खानपुर पंचायत की मुखिया का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं जदयू नेता महेश दास ने भी कहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, इसके लिए पुलिस पदाधिकारी से बात भी की जाएगी। गाँव में बीते 2 साल से यानी कि दबंगों की भेंट और कुख्यात अपराधियों की भेंट चल रही है यहाँ की जनता। कौन है कुख्यात अपराधी? कुख्यात अपराधी मिरहट्टी में जितने भी यादव लोग हैं वो सब बढ़ चढ़ के पवन, रब्बू, मिथुन यादव, अशोक यादव, ये सब मिल के 2-2 मर्डर गोली चला दिए हैं। कहाँ गोली चला दिया है? सुनफिया बाजार में। हाँ, किसको गोली लगा है? मुकेश कुमार सिंह प्लॉट डेड कर गया है, और कार्य मंडल जो कि घायल अभी मयागंज हॉस्पिटल में है। के दिन हुआ घटना से? 2 दिन हुआ, आज 3 दिन है, 16 तारीख को घटना। अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक? नहीं हुई है। तो क्या मांग करते हैं? अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम पूरे समाज वोट का बहिष्कार करते हैं। कब तक गिरफ्तारी नहीं होती है? तो 24 घंटा के अंदर प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए सख्त, और उसके बाद हमारी बाजार की निगरानी हो, सुरक्षा मुहैया दे प्रशासन। हम यही बोलेंगे प्रशासन से। सभी ग्रामीणों तक का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 24 घंटा बीत चुका है, 48 घंटा अब हो गया, अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। किसान लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अभी फसल बिहार में रखा हुआ है, लाने से डर रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा। और जो समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से ये निर्णय लिए हैं कि अगर सरकार हमारी समस्या को नहीं सुनती है तो हम लोग वोट से बहिष्कार करेंगे। हम सब मांग यही करते हैं कि जिसका कि अति हुआ है मुकेश जो खत्म हुआ है उसको कुछ लाभ चाहिए, और उसको जो है ना इधर हमको भैंस नहीं टपना चाहिए, और बहुत हमको दिक्कत देता है। कौन लोग दिक्कत देता है? मिरहट्टी का आदमी दिक्कत देता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम सब लोग उसको निर्णय यही चाहते हैं। डर के मारे हम सब लोग जाने के बाद हम नहीं जा पाते हैं। कहाँ नहीं जा पाते हैं? खेत पे। खेत पर तो जाना जरूरी है, हम लोग नहीं जाएंगे खेत पर तो कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? वही खेत है, कैसे रहेंगे? उपजा नहीं होगा, हम लोग डर के मारे नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? खेत में धान रोपने के लिए जाएंगे, काटने के लिए जाएंगे, अलगाने के लिए जाएंगे, वो लोग क्या करेगा नहीं करेगा हम लोग को क्या पता है? डर रहे हैं आप लोग? हाँ, डर रहे हैं। हम लोग डर के मारे कैसे जाएंगे? कैसे जिएंगे? तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होना चाहिए। हम लोग को कैसे संतुष्टि होगा कि हमको कैसे मालूम होगा क्या होगा नहीं नहीं होगा? और वो जो बच्चे हैं उसके छोटे छोटे बच्चे चाहिए कुछ, कैसे वो लोग कैसे जिएगा? कैसे जिएगा उनको चाहिए? कुछ तो चाहिए ना, मुआवजा चाहिए। हाँ, उसको मुआवजा चाहिए ना।
वो बच्चा है, बच्चा लोग को कौन खिलाएगा? जो खिलाने वाला तू चला गया, लेकिन उसको कौन खिलाएगा? तीन तीन को बच्चा है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम सब लोग तो हमको जानकारी मिला कि सुबह हमारा दामाद घर से निकला 7 बजे, जाके वहाँ गया, भूसा वो लोग कर रहा था, तो वही बोला कि भूसा तुम लोग कर लिया, हमको पैसा दे दो। बोला कि नहीं देंगे पैसा, बस गरागरी करने लगा था भाई किया। उसके बाद फिर कौन आदमी घोड़ा पर से आया, सीधा फायरिंग करने लगा। कौन लोग फायरिंग करा, जानकारी मिला है? वही तो हम लोग, वही पवन कुमार ही लोग जो जानता है हमको, रघु कुमार, यही सब किया है, वही मिथुन कुमार कौन है, एक आदमी सब ना जानेगा गांव का, हम तो बाहरी कुटुम्ब है ना। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा में 22 वर्षीय युवक राहुल कुमार यादव को घर से बुलाकर 3 अपराधियों ने लाठी डंडे से पीटकर नवादा के मां जगदम्बा धर्मकांटा के पास जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने के बाद परिजन राहुल को लेकर अस्पताल गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मायागंज रेफर कर दिया, मगर अस्पताल पहुँचने के क्रम में ही राहुल की मौत हो गयी। मृतक की पहचान नवादा निवासी सुरेंद्र कुमार यादव के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। नवादा दुर्गा मंदिर से 20 मीटर की दूरी पर चैती दुर्गा पूजा के नवमी के दिन लगभग 9:30 बजे रात में यह घटना घटी है। मृतक के भाई का कहना है कि दुर्गा पूजा में ऑर्केस्ट्रा को लेकर 4 दिन पूर्व मृतक राहुल का दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष से विवाद हुआ था और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में शामिल नहीं होने की बात कही गई थी। वहीं मृतक राहुल के साथ इस तरह की घटना दुर्गा मंदिर से 20 कदम की दूरी पर हुई है। साथ ही दुर्गा मंदिर में पुलिस बलों का न होना पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं मृतक के परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। किदारनी सब रोज पसंद ना मुझे दुर्गा पूजा में अले दम्मा से घर में ले अम्मा से दादा से लिया अम्मा ने किधर गिर के मेला वाला देखल गेलो जे 3 गो लड़का आइलो रे बुलाल घर पर बोला ले ले गेला है प्रसाद खिलेल के पानी पिलेल के पर भूली गए ना आइलो छे हमरा मंडल देखो ने कह जे के इकलो प्रीति एकलो प्रीति और दूसरे ही से पता चले। हाँ बेटा दूसरे से पता चले, चाहे लोन चलिए अभी चलिए जो बजरंग बली चल रहा है बाबा जी अभी नए तिलक पूर्व बड़का बेटा हमारे नल के बाबा जी 7:30 बजे 8 बजे पूजा होले बजरंग बली रो कह रही के पंकल के कल के मना आई जो बजरंग बली चली रही थी वहाँ से गिरल के ना ऊपर से आओ कल के बजरंग बली चढ़ जे ना आई तो यहाँ नहीं तो चलो अगले पेन तुरंत हम कल के फिर यहाँ बजरंग बली दिए कदम घर चढ़े तुरंत गले रही कल के फोन चढ़े जवा लगना कल के आवे चुमन तो चढ़ा नहीं फोन कर गंजी शर्ट सब चीज खाली गंजी जो मेरा बड़ा भाई उसको अथी में गोली जो लगाए से मेटा है ना ऐसे कपड़ा तपड़ा सब फाड़ के हटा दिया है खाली कच्ची कच्ची पे है और मारा है उसको पहले गोली मारने के पहले उसको मारा है भितरिया मार पूरे सैंडोगंज 30 फाड़ के हटा दिया है लगा लगा कपड़ा वृंदा अध्यक्ष था राजस्थान का उससे झगड़ा हुआ था उससे किस से राहुल से राहुल से लग रहा है कि उसे घींच पर घींच के लाया उसको धमकटाक पर लाया वो नीलेश कुमार चौरसिया नवीन कुमार का बेटा चौरसिया वो गोली लेकर गला उसको मारा है गोली हाँ उसका भतीजा भी था वो सब आया था बुलाने के लिए उसको घर से पूजा से वो आया उसके बाद प्रसाद पूजा खत्म हुआ प्रसाद खाया शिशुपाल का और भजन उसका भजना था वो अलग था एक था राहुल उसको पहचान रहे थे आप तीनों को हाँ पहचान रहे थे मार्केट फोन आने के लिए उधर से आए तो भीड़ था भीड़ था तो हम आगे बढ़े तो वहाँ पे गिरा हुआ था वो उसको उठा के हम डायरेक्ट ब्लॉक लिख गया जिसमें किराया तो पुलिस प्रशासन नहीं थी क्या? नहीं कोई नहीं था पुलिस प्रशासन बगल में एक दुर्गा स्थान भी है कोई नहीं पुलिस था कोई प्रशासन दुर्गा स्थान में था उस वक्त वहाँ था प्रशासन नहीं था
धमकटा के बगल में जा हुआ था, गिरा हुआ था रोड के गिरा हुआ था। हाँ, हम उठा के उसको ब्लॉक लेके, ब्लॉक से रेफर कर दिया मैं।